एक पुणेरी नागरिक के रूप में मैं आज गर्व से कह सकती हूँ कि यहाँ हमारी पुणेरी जनता के अधिकारियों और हमारे नेताओं की बेमिसाल प्रतिभा का और उनके दृढ़ संकल्पों की जीत का क्षण है। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूँ कि वे अपने ओजस्वी विचारों से यहाँ उपस्थित जनसमुदाय को मार्गदर्शन करें। छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षि कर्वे यांच्यासह अशा अनेक प्रतिभाशाली साहित्यिक, कलाकार, समाज सेवक यांच्या वास्तव्याने पावन झालेल्या पुण्य नगरीतील माझ्या बंधु भगिनींना नमस्कार। इस कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र के गवर्नर श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी रामदास अठावले जी, उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी, महाराष्ट्र सरकार के अन्य मंत्रीगण, पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, संसद में मेरे साथी प्रकाश जावड़ेकर जी, अन्य सांसदगण, विधायकगण, पुणे के मेयर मुरलीधर मोहोल जी, पिंपरी चिंचवड़ की मेयर श्रीमती माई धोरे जी, यहां उपस्थित अन्य सभी महानुभाव देवी और सज्जनों, इस समय देश आजादी के 75 वर्ष निमित्त आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत की आजादी में पुणे का ऐतिहासिक योगदान रहा है। लोकमान्य तिलक, चापेकर बंधु, गोपाल गणेश अगरकर, सेनापति बापट, गोपाल कृष्ण देशमुख, आरजी भंडारकर, महादेव गोविंद रानरे जी जैसे अनेक इस धरती के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को मैं आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। आज महाराष्ट्र के विकास के लिए समर्पित रहे रामभाव मार्गी जी की पुण्यतिथि भी है। मैं आज बाबा साहब पुरंदरे जी को भी आदरपूर्वक याद कर रहा हूं। कुछ देर पहले ही मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। हम सभी के हृदय में सदा सर्वदा बसने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की यह प्रतिमा
युवा पीढ़ी में, आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा जगाएगी। आज पुणे के विकास से जुड़े अनेक अन्य प्रकल्पों का उद्घाटन और शिलान्यास भी हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है कि पुणे मेट्रो के शिलान्यास के लिए आपने मुझे बुलाया था और अब लोकार्पण का भी आपने मुझे अवसर दिया है। पहले शिलान्यास होते थे तो पता ही नहीं चलता था कब उद्घाटन होगा। साथियों, ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें ये संदेश भी है कि समय पर योजनाओं का पूरा किया जा सकता है। आज मूला मुठा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए 1100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर भी काम आरंभ हो रहा है। आज पुणे को ई बसें भी मिली है। बानेर में ई बस के डिपो का उद्घाटन हुआ है और इन सबके साथ, और मैं उषा जी को अभिनंदन देता हूं, आज पुणे के अनेक विविधता भरे जीवन में एक सुहाना तोहफा आरके लक्ष्मण जी को समर्पित एक बेहतरीन आर्ट गैलरी म्यूजियम भी पुणे को मिला है। मैं उषा जी को, उनके पूरे परिवार को, क्योंकि मैं लगातार उनके संपर्क में रहा हूं, उनका उत्सव एक मन में लगन और काम को पूरा करने के लिए दिन रात जुटे रहना, मैं वाकई पूरे परिवार का, उषा जी का अभिनंदन करता हूं। इन सभी सेवा कार्यों के लिए मैं आज पुणे वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ साथ हमारे दोनों मेयर साहिबान को, उनकी टीम को तेज गति से विकास के अनेक काम करने के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, पुणे अपनी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रभक्ति की चेतना के लिए मशहूर रहा है और साथ ही पुणे ने एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आईटी और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी अपनी पहचान निरंतर मजबूत की है। ऐसे में आधुनिक सुविधाएं पुणे के लोगों की जरूरत है और हमारी सरकार पुणे वासियों की इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अनेक मोर्चों पर काम कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने गरवारे में आनंद नगर तक पुणे मेट्रो में सफर किया है। ये मेट्रो पुणे में मोबिलिटी को आसान करेगी, प्रदूषण और जाम से राहत देगी, पुणे के लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। 5-6 साल पहले हमारे देवेंद्र जी जब यहां मुख्यमंत्री थे तो इस प्रोजेक्ट को लेकर वो लगातार दिल्ली आते रहते थे। बड़े उमंग और उत्साह के साथ वो इस प्रोजेक्ट के पीछे लगे रहते थे।
मैं उनके प्रयत्नों का भी अभिनंदन करता हूं। साथियों, कोरोना महामारी के बीच भी ये सेक्शन आज सेवा के लिए तैयार हुआ है। पुणे मेट्रो के संचालन के लिए सोलर पावर का भी व्यापक उपयोग हो रहा है। इससे हर साल लगभग 25,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन रुकेगा। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों का, खास करके सभी श्रमिकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपका ये योगदान, पुणे के प्रोफेशनल्स, यहां के स्टूडेंट्स, यहां के सामान्य मानवी को बहुत मदद करेगा। साथियों, हमारे देश में कितनी तेजी से शहरीकरण हो रहा है, इससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। माना जाता है कि साल 2030 तक हमारी जनसंख्या, शहरी जनसंख्या 60 करोड़ को पार कर जाएगी। शहरों की बढ़ती हुई आबादी अपने साथ अनेक अवसर लेकर के आती है, लेकिन साथ साथ चुनौतियां भी होती है। शहरों में एक निश्चित सीमा में ही फ्लाईओवर बन सकते हैं। जनसंख्या बढ़ती जाए, कितने फ्लाईओवर बनाएंगे, कहां कहां बनाएंगे, कितनी सड़कें चौड़ी करेंगे, कहां कहां करेंगे। ऐसे में हमारे पास विकल्प एक ही है, मास ट्रांसपोर्टेशन। मास ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाओं का ज्यादा से ज्यादा निर्माण। इसलिए आज हमारी सरकार मास ट्रांसपोर्टेशन के साधनों और विशेषकर मेट्रो कनेक्टिविटी पर खास ध्यान दे रही है। 2014 तक देश के सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही मेट्रो का एक व्यापक विस्तार हुआ था। बाकी इक्का दुक्का शहरों में मेट्रो पहुंचनी शुरू हुई थी। आज देश के 2 दर्जन से अधिक शहरों में मेट्रो या तो ऑपरेशनल हो चुकी है या फिर जल्द चालू होने वाली है। इसमें भी महाराष्ट्र की हिस्सेदारी है। मुंबई हो, पुणे पिंपरी चिंचवड़ हो, ठाणे हो, नागपुर हो, आज महाराष्ट्र में मेट्रो नेटवर्क का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। आज के इस अवसर पर मेरा एक आग्रह पुणे और हर उस शहर के लोगों से है जहां मेट्रो चल रही है। मैं प्रबुद्ध नागरिकों से विशेष आग्रह करूंगा, समाज में जो बड़े लोग कहे जाते हैं उनसे मैं विशेष आग्रह करूंगा कि हम कितने ही बड़े क्यों न हुए हो, मेट्रो में यात्रा की आदत समाज के हर वर्ग को डालनी चाहिए। आप जितना ज्यादा मेट्रो में चलेंगे उतना ही अपने शहर की मदद करेंगे। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी के भारत में हमें अपने शहरों को आधुनिक भी बनाना होगा और उनमें नई सुविधाएं भी जोड़नी होगी। भविष्य के भारत के शहर को ध्यान में रखते हुए
हमारी सरकार अनेकों परियोजनाओं पर एक साथ काम कर रही है। हमारी सरकार का प्रयास है कि हर शहर में ज्यादा से ज्यादा ग्रीन ट्रांसपोर्ट हो, इलेक्ट्रिक बसों हो, इलेक्ट्रिक कारें हो, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन हो, हर शहर में स्मार्ट मोबिलिटी हो, लोग ट्रांसपोर्ट सुविधाओं के लिए एक ही कार्ड का इस्तेमाल करें, हर शहर में सुविधा को स्मार्ट बनाने वाले इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो, हर शहर में सर्कुलर इकोनॉमी को मजबूत बनाने वाला आधुनिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो, हर शहर को वाटर प्लस बनाने वाले पर्याप्त आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, जल स्रोतों के संरक्षण का बेहतर इंतजाम हो, हर शहर में वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट करने वाले गोबरधन प्लांट हो, बायोगैस प्लांट हो, हर शहर एनर्जी एफिशिएंसी पर जोर दें, हर शहर की स्ट्रीट लाइटें स्मार्ट एलईडी बल्ब से जगमगाए, इस विजन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। शहरों में पेयजल और ड्रेनेज की स्थिति को सुधारने के लिए हम अमृत मिशन को लेकर के अनेक विध इनिशिएटिव लेकर के चल रहे हैं। हमने रेरा जैसा कानून बनाया ताकि जो मध्यम वर्ग के परिवार कभी इस कानून के अभाव में परेशान होते थे, पैसे देते थे, सालों निकल जाते थे, मकान नहीं मिलता था, उन सारी समस्याओं का समाधान जो कागज में बताया जाता था वो मकान नहीं होता था, बहुत सारी अव्यवस्थाएं होती थी, एक प्रकार से हमारा मध्यम वर्गीय परिवार जो जिंदगी की बहुत बड़ी पूंजी से अपना एक घर बनाना चाहता है वो घर बनने से पहले ही अपने साथ चीटिंग हुआ महसूस करता है। इस मध्यम वर्ग के लोगों को, घर बनाने वाली इच्छा रखने वालों को सुरक्षा देने के लिए ये रेरा का कानून बहुत बड़ा काम कर रहा है। हम शहरों में विकास की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी विकसित कर रहे हैं ताकि स्वच्छता पर स्थानीय निकायों का पूरा फोकस रहे। अर्बन प्लानिंग से जुड़े इन विषयों पर साल के बजट में भी ध्यान दिया गया है। भाइयों और बहनों, पुणे की पहचान ग्रीन फ्यूल के सेंटर के रूप में भी सशक्त हो रही है। प्रदूषण की समस्या से मुक्ति, कच्चे तेल के लिए विदेशी निर्भरता को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम इथेनॉल पर, बायोफ्यूल पर फोकस कर रहे हैं। पुणे में बड़े स्तर पर इथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़ी सुविधाएं स्थापित की गई हैं। इससे यहां आसपास के गन्ना किसानों को भी बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। पुणे को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए भी आज महानगर पालिका ने अनेक काम शुरू किए हैं। बार बार आने वाली बाढ़ और प्रदूषण से पुणे को मुक्ति देने में ये सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बहुत उपयोगी होने वाले हैं। मूला मुठा नदी की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए भी पुणे महानगर पालिका को केंद्र सरकार पूरा सहयोग दे रही है। नदियां फिर से जीवंत होगी तो शहर के लोगों को भी सुकून मिलेगा, उन्हें भी नई ऊर्जा मिलेगी। और मैं तो शहरों में रहने वालों को आग्रह करूंगा कि साल में एक बार
तिथि तय करके रेगुलर नदी उत्सव मनाना चाहिए। नदी के प्रति श्रद्धा, नदी का महात्म्य, पर्यावरण की दृष्टि से प्रशिक्षण, पूरे शहर में नदी उत्सव का वातावरण बनाना चाहिए, तब जाकर के हमारे नदियों का महत्व हम समझेंगे, पानी के एक बूंद बूंद का हम महत्व समझेंगे। किसी भी देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जो चीज सबसे जरूरी है वो है स्पीड और स्केल, लेकिन दशकों तक हमारे यहां ऐसी व्यवस्थाएं रही कि अहम परियोजनाओं का पूरा होने में काफी देर हो जाती थी। ये सुस्त रवैया देश के विकास को भी प्रभावित करता रहा है। आज के तेजी से बढ़ते हुए भारत में हमें स्पीड पर भी ध्यान देना होगा और स्केल पर भी। इसलिए ही हमारी सरकार ने पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। हमने देखा है कि अक्सर परियोजनाओं में देरी की वजह होती है अलग अलग विभागों में, अलग अलग मंत्रालयों में, सरकार में तालमेल की कमी। इस वजह से होता यह है कि जब वर्षों के बाद कोई परियोजना पूरी भी होती है तो वो आउटडेटेड हो जाती है, उसकी प्रासंगिकता ही खत्म हो जाती है। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान इन्हीं सारे विरोधाभासों को दूर करने का काम करेगा। जब एक इंटीग्रेटेड फोकस के साथ काम होगा, हर स्टेक होल्डर के पास पर्याप्त जानकारी होगी, तो हमारे प्रोजेक्ट भी समय पर पूरे होने की संभावना बढ़ेगी। इससे लोगों की दिक्कतें भी कम होगी, देश का पैसा भी बचेगा और लोगों को सुविधाएं भी ज्यादा मिलेंगी। भाइयों और बहनों, मुझे इस बात का भी संतोष है कि आधुनिकता के साथ साथ पुणे की पौराणिकता महाराष्ट्र के गौरव को भी अर्बन प्लानिंग में उतना ही स्थान दिया जा रहा है। ये भूमि संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम जैसे प्रेरक संतों की रही है। कुछ महीने पहले ही श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग का शिलान्यास करने का सौभाग्य मुझे मिला है। अपने इतिहास पर गर्व करते हुए आधुनिकता की विकास यात्रा यूं ही सतत चलती रहे, इसी कामना के साथ पुणे के सभी नागरिकों को फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज पुणे दौऱ्यावर आहेत आणि आता विविध विकास कामांचं उद्घाटन केल्यानंतर पुणे महानगरपालिकेच्या दृष्टीनं हा त्यांचा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो आणि यावेळी कार्यक्रम पार पडल्यानंतर आता ते पुढच्या कार्यक्रमासाठी रवाना होत आहेत आणि बरोबर 1:15 झाली आहेत आणि पुढच्या म्हणजे शेतकी महाविद्यालयाच्या कार्यक्रमाला ते लवाळे इथे आता रवाना होणार आहेत आणि तिथल्या कार्यक्रमानंतर सिम्बॉयसिस विद्यापीठाच्या कार्यक्रमात ते सहभागी होतील आणि त्यानंतर ते दिल्लीकडे रवाना होतील अशी माहिती कळते। पण आत्ता जी आपण महत्त्वाची त्यांच्या भाषणातले मुद्दे बघितले तर नदी उत्सव तुम्ही वर्षातून एकदा तरी साजरा करा असं देखील आत्ता पंतप्रधानांनी म्हटलंय। त्याचबरोबर त्याआधी त्यांनी महापुरुषांना देखील अभिवादन केलं, स्वातंत्र्य संग्रामात पुण्याचं महत्त्वाचं योगदान असल्याचं देखील त्यांनी म्हटलं। त्यामुळे मोदींचा हा मिशन पुणे दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातोय। याआधी मेट्रोमधून देखील त्यांनी प्रवास केला आणि विद्यार्थ्यांशी देखील संवाद साधला। पुण्याच्या विकासात मेट्रोचं किती महत्त्व आहे आणि वाहतूक कोंडीतून सुटका करण्यासाठी हे किती महत्त्वाचं ठरू शकणार आहे पुण्यात मेट्रोचा प्रवास, याविषयी देखील त्यांनी म्हणजे पुण्याच्या महापौर त्याचबरोबर पिंपरी चिंचवड आणि ज्या सगळ्या टीमनं यासाठी काम केलं होतं
त्या सगळ्यांचं अभिनंदन देखील केलं आहे। मुळामुठा नदीचं पुनरुज्जीवन आणि त्याच्या शुद्धीकरणासंदर्भात देखील त्यांनी आता विधान केलं आणि त्यांच्या भाषणानंतर आता ते पुढच्या कार्यक्रमासाठी रवाना होत आहेत। मध्यमवर्गीय कुटुंबांना या सगळ्या वाहतूक कोंडीतून सुटका मिळाल्यानंतर किंवा या सगळ्या योजनांचा किती फायदा होणार आहे याचा देखील उल्लेख त्यांनी आपल्या भाषणात केला। आणि यानंतर एक ब्रेक घेऊन आपण परत भेटणार आहोत। पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।